मुराद अली शाह ने वजीर आला हाउस में मानसून बरसातों के हंगामी इजलास की सदारत की। मेयर कराची ने वजीर आला सिंध को बताया कि उन्हें नालों की डीसलेटिंग करने के लिए माली बुहरान का सामना करना पड़ रहा है। इस पर वजीर आला सिंध ने मेयर को मशवरा दिया कि केएमसी के माली वसाइल में इजाफा करें, ताहम हुकूमत सिंध नालों की फाइनेंस डीसलेटिंग की कमी को पूरा करेगी। वजीर आला सिंध ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रोशन शेख को हिदायत की कि वो उन्हें सेक्रेटरी खजाना के जरिए माली जरूरियात से मुतालिक आगाह करें। मुराद अली शाह ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के 11 मिलियन डॉलर के मंसूबे पाइपलाइन में हैं और अगले 4 माह में ये काम शुरू हो जाएंगे, जिसके तहत कराची के तकरीबन तमाम बड़े नालों को दोबारा तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम नालों के आसपास बाड़ लगाएंगे ताकि तजावजात ना हो सकें। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने वजीर आला सिंध को बताया कि तमाम मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स को ऑन बोर्ड लेकर उन्होंने वजीर आला सिंध को 229 मिलियन रुपए की समरी इरसाल की है। वजीर आला सिंध ने मेयर और कमिश्नर कराची को हिदायत की गुज़िश्ता साल जैसी सूरत हाल जैसा की सादी टाउन में हुआ था उससे बचने के लिए कोई लाहे अमल तैयार करें। मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची को कराची वाटर बोर्ड के पंपिंग स्टेशनों को मुनासिब और बिला तअत्तुल बिजली की फराहमी के लिए के इलेक्ट्रिक के हुक्काम से राबता करने की भी हिदायत की। वजीर आला सिंध ने कहा कि वो जुलाई के पहले हफ्ते में फंड्स जारी करेंगे, तहम उन्होंने कमिश्नर को काम शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने जिले इंतजामिया को कुर्बानी के जानवरों की मंडी के लिए एक मुतबादल मनसूबा वजह करने की हिदायत भी की।